पब्लिक टीवी आपकी आवाज। क्या नाम है आपका सर? महेंद्र सिंह जी। ये बताइए भोले, क्या घटना घटी है आप लोगों के साथ? रात के 12 बजे भोले सो रहे थे, मोबाइल चार्ज पर लगा हुआ था, 3 बंदे आए और मोबाइल और पैसे भी ले गए। पुलिस प्रशासन को बताया, पुलिस प्रशासन आई, उन्होंने कैमरा चलवाया, कैमरे में पता चला तो एक बंदा अभी आया, उसको पकड़ लिया, तो उसे चौकी में लाए, चौकी से पुलिस ले गई चटाने। तो अशोक साहब ने कहा मैं कार्रवाई करूँगा। कार्रवाई तो मुझे क्या मतलब है, हमारी चीज़ कही वो चीज़ मिलना चाहिए, कार्रवाई तो मुझे क्या है। तो कितने मोबाइल चोरी हुए हैं? 3 मोबाइल चोरी हो गए और कितना, कुछ कैश भी है, कुछ पैसा भी है? पैसे भी है। तो अभी तक कुछ मिला आप लोगों को? नहीं मिला, ना कोई संशोधन हुआ है, खाली आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारी कार्रवाई करें। कार्रवाई से क्या होगा जी? बोले क्या मामला है, ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं आप चौकी पे? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि रात में मैं सो रहा था तो इसी के कारण मेरा मोबाइल रात में सोते समय चोरी हो गया। मैंने मेरे 3500 रुपये मोबाइल में रखे थे पीछे, वो भी चुरा लिए, जब मोबाइल गया तो पैसे भी खत्म हुए। इसके कारण मैंने इन्हें अभी रिपोर्ट भी लिखाई है, ये कह रहे 2-3 दिन में मिल जाएगा 100%। अब मैंने वो भी कहा लेकिन तुरंत हमें ये मिल गया, इतने रिकॉर्डिंग है मोबाइल में मेरे, वो रिकॉर्डिंग मैंने चेहरा देखा, ये बंदा पकड़ लिया मैंने। ये लोग तो सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है वो आदमी। अब ये कपड़ा खाली चेंज करके आ गया। ये आप लोग कहाँ पे सो रहे थे, कहाँ से चोरी हुआ है मोबाइल? पुराने बस अड्डे पे, पुराने बस अड्डे पे यहाँ सो रहे थे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।